এতে বেশি কিছু করার দরকার নেই। সব থেকে আগে সবসে পেলে হমে ড্র ইতনা করার হ্যাঁ সবসে পেলে হমে স্কাই কে লিয়ে কোবাল ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট নিকাল লেনি হ্যাঁ হমনে কোবাল ব্লু অর হোয়াইট নিকাল লিয়া আব হমে স্কাই করনি হ্যাঁ স্কাই কে লিয়ে সবসে পেলে হমে ইহা পে পানি পেলে জেসে হমনে দিখায়ে থে পানি সে পুরে এরিয়া কো গিলা করনা হ্যাঁ उसके बाद वाइट लेके हम पहले इसमें वाइट अप्लाई करेंगे और इसमें हल्का सा वाइट में कोबाल ब्लू मिक्स करने नहीं है, बहुत ही कम ये वाली कलर आएगी। इस तरह से कोबाल ब्लू आपके पेज में पानी है और वाइट भी है तो आप बहुत डार्क नहीं होगी आपकी स्काई। मुझे बहुत डार्क बनाना भी नहीं है, इसी वे पे रखना है इतना ही। उसके नीचे आपका जाएगा येलो कलर से, मैं इस जगह पे इसकी जो ट्री है इसकी जो पीछे की इस पोर्शन के आगे के पोर्शन में जो कलर है वो करना है हमें। इसके लिए हमें पहले मीडियम येलो में हल्का सा सैपरीन मिक्स करके ये वाली कलर बनानी है और मीडियम येलो मैंने ऑलरेडी दूसरे जगह पे निकाल लिया है। तो मीडियम येलो और लाइट ग्रीन का काम है इसमें। पहले गीला रहते ही पेज जब तक गीला है उसी में हमें ये काम को करना है। पहले हम मीडियम येलो अप्लाई करेंगे, थोड़ा हमें फास्ट काम करनी है ताकि हमारा जो पानी है वो सूख ना जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये वाला ग्रीन जो है अप्लाई कर रही हूँ। एक बुशेस के शेप्स में हमें ये अप्लाई करनी है। कहीं कहीं पे हमें इसमें एक सैप ग्रीन से ट्री जैसे ये इफेक्ट डालनी है। आप ब्राउन भी यूज कर सकते हो। कुछ कुछ जगह पे मैं इस तरह से ब्राउन के थ्रू थोड़ा ट्री का इफेक्ट डाल रही हूँ या डार्क ग्रीन सैप ग्रीन के थ्रू ट्री का इफेक्ट डालना है, लेकिन ये बहुत दूर में है तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है डार्क टोन, थोड़ा सा कम में जाएगा। बहुत देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें वन शीना नीचे की तरफ से मैं अप्लाई कर रही हूँ। कहीं कहीं पे आप चाहो तो वाइट में हल्का सा येलो मिक्स करके थोड़ा आप लाइट टोन डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो सूखने के बाद और अभी भी डाल सकते हो। किस तरह से अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। देखो ये सारा चीज़ स्प्रेड हो रही है और मुझे यही इफेक्ट चाहिए, स्प्रेडिंग इफेक्ट, इसलिए बोला था कि जब गीला रहेगा उसी टाइम आप इसमें काम करोगे।
इधर का जो बुशेस है वो मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लाइट ही रखनी है, इस टाइप से हो जाएगी। अब जब मैं यहाँ पे काम करूँगी, ये लैंड मैं कर लेती हूँ, यही कलर्स यूज़ होंगे जो कलर मैं यूज़ कर रही थी। ऊपर से मैं थोड़ा सा वाइट दूंगी लाइट टोन के लिए। और जो ग्रीन मैंने यूज़ कर रही थी, येलो प्लस ग्रीन, वही अप्लाई कर रही हूँ। स्प्रेड होने के लिए छोड़ना है। इस तरह से हल्का सा मिक्स करनी है, हल्का मैं ब्राउन का इफेक्ट इसमें। जो सूखी हुई पत्ते होते हैं वो दिखाने के लिए भी आप ब्राउन का इस तरह से डॉट डॉट करके इफेक्ट डाल सकते हो। हल्का सा मैं डार्क ब्राउन का इसमें लाइंस दे रही हूँ, डार्क ब्राउन से, ताकि ये डिवीजन हो सके। हर चीज़ को थोड़ा स्प्रेड करने का मौका देना और हाईलाइट ज़रूर छोड़ना। ऐसा नहीं कि एकदम आप हाईलाइट ही ना छोड़ो। हर एक ट्री के इस तरह से, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये इसलिए दिया जा रहा है, बहुत सारे ट्री होने की वजह से उसको शैडो आते हैं, वो पर्टिकुलरली उस तरह से पकड़ के नहीं दिया जाता है, इस तरह से देना पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रे यूज़ करेंगे, ग्रे कलर से। अब यहाँ पे क्योंकि पानी है, यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत पानी है, तो ये बचाते हुए आपको काम करना है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको, ये देख रहे हो आप, छोड़ के कर रही हूँ ताकि वो टच ना करे। थोड़ा सा इस तरह से छोड़ के करना है। स्ट्रोक्स, ये रोड का जो इफेक्ट है ये मैं ग्रे से करूँगी। ये ग्रे मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्लूइश ग्रे है थोड़ा सा, ये कंप्लीट ग्रे नहीं है। कहीं कहीं पे इस तरह से आप ग्रीन का हल्का सा इफेक्ट डाल सकते हो। थोड़ा सा डार्क ग्रे यूज करके इसमें आप एक इस तरह की रोड की एक लाइंस की तरह आप दे सकते हो। जो रोड की लाइंस होगी गीले में देना, वो थोड़ा सा स्प्रेड अपने आप ही कर जाएगा, तभी ये अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मीडियम टोन लेके ये जो मैंने एरिया किया है इस एरिया में, हमें मीडियम येलो पहले करनी है। ये बेसिकली वाटर का, वाटर जमा होने से जो इफेक्ट आते हैं वो दिखाया गया है। इसमें आपको हल्का सा सैप ग्रीन का इफेक्ट, ये स्प्रेड होने के लिए आपको छोड़ना होगा। इस तरह से ट्री जो है ना उसका इफेक्ट दिखाने के लिए ये छोड़ा गया है, इस तरह से। और फिर ब्लैक से
कुछ जगह बेसिकली इसके नीचे ही होगा, तो आप उसी जगह पे आप दिखाना। इस तरह से उसको स्प्रेड ज़रूर करने देना। गीले रहते ही इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रेड कर देना, सॉल्ट, तो ये वहाँ से कलर हटा लेगा। अभी कुछ नहीं करना, ये अपने आप जब सूख जाएगी उसके बाद ये नमक को सॉल्ट को हटा देना। इसके बाद नेक्स्ट इस जगह पे भी आपका वही शैडो ही आ रहा है, तो ये भी पूरा ध्यान से, ये जगह स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने ड्राई कर लिया कॉटन कपड़े से। टच नहीं करना है इसमें। इसमें हल्का सा मुझे ग्रे का टचिंग देनी है। ग्रे यूज़ कर रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा डार्क टोन। गीले में आप जो भी करोगे वो अपने आप वो स्प्रेड होगा। इसमें भी हल्का सा नमक छिड़क देना। कुछ इधर की कुछ डाली दिखाने के लिए आप इस तरह से वाइट से आउट लाइंस दे सकते हो। डायरेक्ट वाइट लेके आप इस तरह से कुछ लाइंस दे देना। कुछ इस तरह से एक दो व्हाइट का ड्रॉप्स वो अपने आप स्प्रेड कर जाएगा। नेक्स्ट ये सूखने के इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक मैं ऊपर ट्री का जो एरिया है उसमें लेमन नहीं सॉरी मीडियम येलो से कर लेती हूँ। जब हम काम करेंगे तो मीडियम येलो जहाँ जहाँ पे मैंने मुझे करना है वो ट्री का इफ़ेक्ट हमें दे देना है। पहले एक लाइट टोन में देनी है। रकम इस तरह से आपको पहले ट्री का एक पैटर्न दे देनी है। उसके बाद इसमें डार्कर टोन डालने के लिए हल्का सा हम लोग ब्राउन प्लस मीडियम येलो करेंगे। इस तरह से हमें मीडियम येलो प्लस ब्राउन करनी है और नीचे के एरिया में इस तरह से डार्कर टोन में डॉट डॉट करके देनी है। टेक्निक को थोड़ा सा फॉलो करो। इस तरह से एक इफ़ेक्ट डालनी है कि वो मैं ब्राउन प्लस मीडियम येलो लिया हुआ हूँ ली हूँ यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से एक
इफेक्ट जाएगा डॉट डॉट करके। गैपिंग छोड़ छोड़ के आपको इस तरह से इफेक्ट डालनी है। किसी किसी जगह पे आप ग्रीन यूज़ कर लेना। इस तरह से थोड़ा सा हमें ट्री का इफेक्ट देनी है डॉट डॉट करके। कुछ जगह जो हमें लाइट रखनी है तो वो मीडियम येलो ही रख देना, और नीचे के पार्ट ट्री के जो पार्ट होंगे वो नीचे के पार्ट से कोशिश करना डार्क करने की, ब्राउन और मीडियम येलो मिक्स करके। इसी जो टोन है वो आपको इस तरह से निकाल लेनी है थोड़ा सा डॉट डॉट करके। मैं बाहर बाहर की तरफ कर रही हूँ, अंदर से वो अपने आप मिक्स हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी गीले हैं। स्लैब ग्रीन और मीडियम येलो मिक्स किया हुआ है। देखना गेस्चर, इस तरह के आपको ट्री का लुक देनी है। और उसके बाद या फिर डार्क ब्राउन से हम इस तरह से ट्री करना है, जो ब्रांचेस है यहाँ पर।
इस तरह से आपको करना है। ये जब एकदम आप सूख जाने के बाद एक टोन और देनी पड़ेगी, क्योंकि ये डल हो जाती है सूखने के बाद। तो हमें इसमें फिर से एक बार उसी तरह की पैचेस या स्ट्रोक जो हम दिए थे वो हमें देना है। अगर बाय चांस कहीं पे डार्क टोन कम हो जाए तो वो फिर से एक बार अप्लाई करने से हो जाती है। दो तीन स्टेप में ये वाटर कलर में नॉर्मली होते हैं। थोड़ा इस तरह से आप लाइट हल्के हाथों से ये अगर कर दोगे तो ये बुशेस का इफेक्ट देने लगेगा। इसमें अगर आप चाहो तो एक छोटा सा ह्यूमन फिगर ऐड कर सकते हो। दिखा देती हूँ कैसे। मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्राउन से कर रही हूँ। हल्का सा ब्लैक। क्योंकि ये दूर का सीन है तो हमें इसमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट एक हल्का सा इफेक्ट। और एक शैडो, एक फिर से क्योंकि ये वाटर बारिश का मौसम दिखाया गया है तो इसमें एक शैडो ज़रूर जो है डालना है। इस तरीके से आपका पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा।